8 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व महिला दिवस की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों में महिला दिवस भव्य रूप से मनाया जाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिला उत्पीड़न और छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के बाद सभी मंडलों में महिला दिवस का भव्य आयोजन किया जाए तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी उन्हें एहसास दिलाया जाए, जिससे महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। और आप सबको मालूम है कि प्रथम चरण में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए एक बहुत ही सफल अभियान जो है पिछले नवरात्र में प्रदेश में चलाया गया। 25 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी साहब के दस्तक है, 27 फरवरी से लेकर इस अभियान के तहत कल्याण, युवा कल्याण, राजस्व, सहकारिता, महिला कल्याण एवं गृह विभाग, जिसमें कि डीजीपी साहब और उनकी पूरी टीम को जो है सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाना है। निर्देशित किया था कि 8 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कड़ी में आपको निर्देश दिए गए हैं कि 11 बजे से जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मुख्यालय पर लखनऊ में जो आयोजित यहाँ हो रहा है, उसके साथ ही जो है आपके यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित हो जाए और लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा उसका जो है लाइव स्ट्रीमिंग हर जनपद में देखने के बाद फिर आपके जनपदों का मुख्य कार्यक्रम होगा। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि आप अपने प्रभारी मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे, अपने माननीय सांसद, अपने माननीय विधायक और भी जो प्रबुद्धगण है, विशेष महिलाएं हैं जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उनको वहाँ जो है सम्मानित भी करेंगे और बुलाएंगे भी। साथ ही साथ जो महिलाएं विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हैं, उद्यमिता से जुड़ी हैं, शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी हैं, स्वयं सेवी समूहों से जुड़ी हैं, वृद्ध आश्रम चला रही है, संरक्षण गृह चला रही है या किसी भी रूप में कोई विशेष योगदान अगर उनका है तो ऐसी महिलाओं को जोड़ते हुए जनपद स्तर पर और यथासंभव तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी जो है कार्यक्रम आपको आयोजित करने हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जहाँ दोनों हमारे सीपी साहबान हैं, वो अपने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ और फील्ड के सभी अधिकारियों को जो है जोड़कर महिला विभाग, महिला कल्याण विभाग से विशेष रूप से सहयोग लेकर, सूचना विभाग से विशेष रूप से सहयोग लेकर और पुलिस विभाग का पूरा जो है तंत्र को सहयोग लेकर इस पूरे कार्यक्रम को जो है प्रारंभ करना है। मैं केवल इतना और कहना चाहूंगा कि इस पूरे अभियान में जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन का प्रश्न है वो पिछली बार काफी जनपदों में बहुत अच्छा देखने को मिला था, लेकिन कई जनपदों में बहुत सीमित मात्रा में जो है कार्यक्रम हो पाए थे, तो इसीलिए आज सभी 18 मंडलायुक्त से मैंने सुबह बात की थी और सर अभी तक लगभग 14-15 मंडलों से प्रत्येक जनपद की कार्य योजना जो 8 तारीख को इम्प्लीमेंट होगी वो आ गई है। 2 या 3 जनपद छूट गए हैं, उनकी भी कार्य योजना हमें आज रात तक भिजवा दीजिए।